नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन आई एस सेकेंडरी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएसआई परीक्षा में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, लगभग 20 से 22 दिन शेष हैं। और इन 20 से 22 दिनों में मेरी कोशिश ये होगी कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिनको आप कम समय में तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, उन सभी टॉपिक को तैयार करवाऊँ। और इस क्रम में आज हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार को देखेंगे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हर पेपर में, मतलब पेपर का मतलब हर शिफ्ट में, महत्वपूर्ण लेखक और उनकी कृतियों से या उनको क्या पुरस्कार मिला, इससे 4 से 5 प्रश्न देखने को मिले हैं। और ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी, इनको यदि हम सेपरेट देखें तो ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी से कभी कभी एक या कभी कभी ऐसा हुआ 2 प्रश्न, ठीक है, मिनिमम 1 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा मिला है कि साहित्य अकादमी से आपको प्रश्न मिल जाए और ज्ञानपीठ से भी आपको प्रश्न मिल जाए, तो यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ पे आप लगभग दोनों मिला के 70-80 राइटर को यदि आप याद कर लेते हैं तो यहाँ से आपको 1 या 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार को देखेंगे। इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 22 मई 1961 की होती है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 22 मई 1961 को की जाती है। यह साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसको दिया किसको जाता है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, जिसको भी दिया जाएगा उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं बताई गई हैं, ठीक है, हमारा संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में दिया गया है, उसमें कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। इन्हीं 22 भाषाओं में किसी एक भाषा के उत्कृष्ट कवि को ये पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन 2018 की बात करते हैं तो 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया, अमिताभ घोष को दिया गया, लेकिन ये जिनकी जो रचनाएं होती है वो अंग्रेजी भाषा में होती हैं, तो एक अपवाद है कि 2018 में अमिताभ घोष को दे दिया गया, नहीं तो इससे पहले 8वीं अनुसूची में जो हमारी 22 भाषाएं हैं उन्हीं में से किसी एक भाषा के उत्कृष्ट कवि को ये पुरस्कार दिया जाता था। पुरस्कार में अगर हम बात करें तो 11 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं, कि इसकी धनराशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक वाग देवी अर्थात माता सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है, ठीक है, कांसे की बनी होती है, एक आपको प्रतिमा मिलती है, ठीक है। 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था और इस समय कितना है, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। आगे चलते हैं तो बात आती है कि 1982, ठीक है, 1965 में पहली बार दिया गया पुरस्कार ये, ठीक, 1961 में इसकी स्थापना होती है, 1965 ईस्वी में पहली बार पुरस्कार दिया जाता है। और 1965 में जब ये पुरस्कार दिया जा रहा था तो यह लेखक की एक उत्कृष्ट कृति के लिए दिया जाता था, ठीक है, उसकी जो एक सबसे अच्छी एकल कृति जो होती थी, सबसे अच्छी कृति उसी के लिए दिया जाता था। लेकिन 1982 के बाद ये क्यों हुआ, भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए 1982 के बाद से दिया जाने लगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको उनकी कृति नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्यों, लेखक का नाम ही पढ़ना पड़ेगा, उस कवि का नाम पढ़ना पड़ेगा जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, ठीक है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो 1965 में दिया गया, ये मलयालम लेखक थे जिनका नाम था जी शंकर कुरूप, ठीक है। और यदि बात करें पहली महिला, ये तो पुरुष थे, पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया ये थी हमारी आशा पूर्णा देवी, ये बांग्ला भाषा की कवित्री थी, ठीक है, आशा पूर्णा देवी को मिला, ये बांग्ला भाषा की कवित्री थी। यदि बात करें हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा की पहली कवित्री जो थी तो महादेवी वर्मा थी, इनको 1982 में मिला। और पहले जो कवि थे हिंदी भाषा के, सुमित्रा नंदन पंत जी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, और मरणोपरांत यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया जाता। ये थी बातें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, ठीक है, जिनको जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभार डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रथम महिला या प्रथम महिला जिन्हें हिंदी में दिया गया, या प्रथम पुरुष या प्रथम पुरुष जिन्हें हिंदी में दिया गया पूछा जाए, तो आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। यहाँ पे आपको लेखक का नाम, उसकी कृति, उसकी भाषा और वर्ष दिया गया। इसमें से आपको वर्ष याद करना और भाषा याद करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप हिंदी भाषा के जितने कवि उनको याद कर ले तो भी आपका काम चल सकता है। लेकिन मैंने 1965 से 1982 तक सबके नाम, कृति और उनकी भाषा भी लिखी हुई है, और 1982 के बाद से केवल नाम और उनकी भाषा ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि आप यहाँ पे वर्ष छोड़ देते तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, यदि आपका किस्मत ही खराब रहे
तो ही वर्ष पूछा जाएगा, नहीं तो केवल नाम उनकी कृत के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले 1965 में जी शंकर ग्रुप की बात करते हैं, तो जी शंकर ग्रुप को 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी रचना थी वो थी ओटा कुशल, जिसे हिंदी में वंशी कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, ये पहले व्यक्ति थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनको 1,00,000 रुपया मिला, एक प्रशस्ति पत्र मिला तथा विभाग देवी की कांस्य की प्रतिमा मिली। ठीक है, दूसरे जो थे तारा शंकर बंदोपाध्याय थे, इनकी रचना जो थी गढ़ देवता। ठीक, इनकी रचना गढ़ देवता के लिए दिया गया, ये बंगला भाषा के कवि थे। अगर तीसरी बात करें तो केवी पुतप्पा को दिया गया 1967 में, इनके जो रचना थे श्री रामायण दर्शनम। ठीक है, श्री रामायण दर्शनम, ये कन्नड़ भाषा के कवि थे, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1967 में। दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ से आपको प्रतिदिन का करंट अफेयर मिल जाएगा। यदि कभी ऐसा हुआ कि एक दिन में ज्यादा करंट नहीं है, 3 से 4 ही करंट मिल पाए हैं, तो आपको दूसरे दिन दोनों दिन का मिला के करंट अफेयर मिल जाता है, विदेश सर इसको देते हैं। इसमें आपको घंटे भर का करंट नहीं पढ़ना है, बस वही करंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड करंट वहां पे आपको दिए जाते हैं। तो आप 5 मिनट के भीतर या 5 से 10 मिनट के भीतर आप अपना करंट अफेयर पर दिन का कवर कर सकते हैं। दूसरा ये कि यदि आप UPSI या PCS के RO की तैयारी करते हैं और यह पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल में पूरी पॉलिटी पढ़ाई गई है, आपको मिल जाएगी, उसका PDF नोट्स मिल जाएगा और आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। लगभग 25 घंटे में पूरा हो गया है, 20 मिनट 30 मिनट का एक लेक्चर है, 50 से 55 लेक्चर में खत्म हो जाता है। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते, 1967 में केवी पुतप्पा को दिया गया, 1967 में उमा शंकर जोशी को, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। ठीक है, उमा शंकर जोशी को दिया गया, इनकी रचना निशिता के लिए, एक गुजराती भाषा के कवि था। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की बात आती है, ये क्या है, हिंदी भाषा के कवि हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि ये हिंदी भाषा के कवि हैं, इसलिए पूछा जाता है हिंदी भाषा के प्रथम कवि जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये है सुमित्रा नंदन पंत। इनकी रचना भी याद रखना उतनी जरूरी है, चिदम्बरा। ठीक है, इसलिए जितने भी बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको मैंने हरे रंग से दर्शा दिया है। 1969 में फिराक गोरखपुरी को दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनकी रचना का नाम है गुलाम ए नगमा। ठीक है, गुलाम ए नगमा, और ये उर्दू भाषा के पहले कवि थे। ठीक है, उर्दू भाषा के पहले कवि हैं। 1970 में विश्वनाथ सत्यनारायण को दिया गया, विश्वनाथ सत्यनारायण को 1970 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इनकी रचना थी रामायण कल्प वरिच्छमु। ठीक है, रामायण कल्प वरिच्छमु, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इन्होंने रामायण को तेलुगु भाषा में लिखा था। 1971 में बात करें तो विष्णु डे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इनकी रचना है स्मृत सत्तो भविष्यति। ठीक है, विष्णु डे को 1971 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इनकी रचना है स्मृत सत्तो भविष्यति, ये बांग्ला भाषा के कवि हैं। ठीक है, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया, इनकी रचना उर्वशी है, ये हिंदी भाषा के दूसरे कवि है। ठीक है, पहले कवि क्या थे, पहले थे सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी भाषा के पहले कवि जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, दूसरे हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनकी रचना का नाम पूर्ववर्ती, आप इसे याद रखिएगा। एक टेक्निकल दिक्कत है, मैं आपको ये बता रहा था कि 1968 में सुमित्रा नंदन पंत पहले कवि थे हिंदी के जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और 1972 में रामधारी सिंह दिनकर दूसरे कवि हैं हिंदी भाषा के जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो है पूर्ववर्ती। दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे, ठीक है, 1973 में इनकी रचना नाकू तंती के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, गोपीनाथ महंती को इनकी रचना माटी मटाल के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, और इसी प्रकार 1974 में विष्णु सखा राम खांडेकर को, ठीक है, 1974 में विष्णु सखा राम खांडेकर को इनकी रचना यायात के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ये मराठी भाषा के कवि थे। ठीक है, 1975 में बात करें तो पीवी अकिलानंदम, ठीक है, इनकी रचना चित्र पवई के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, पीवी अकिलानंदम को इनकी रचना चित्र पवई के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ये तमिल भाषा के कवि थे। 1976 में आशा पूर्णा देवी को, ठीक है, 1976 में किसको मिला, आशा पूर्णा देवी को, ये प्रथम महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और ये इनकी रचना थी प्रथम प्रति श्रुति। ठीक, इनकी रचना थी प्रथम प्रति श्रुति, बांग्ला भाषा की कवयित्री थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, प्रथम महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, आशा पूर्णा देवी। ठीक है, 1977 में के शिवराम कारंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, इनकी रचना थी मुक्कजिया कंसुगालू। ठीक है, मुक्कजिया कंसुगालू इनकी रचना थी,
ये कन्नड़ भाषा के कवि थे, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1977 में दिया गया। अगली बात करते हैं 1978 में, तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को दिया गया। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इनकी रचना कितनी नौ में कितनी बार इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये हिंदी भाषा के कवि हैं, ठीक है, ये हिंदी भाषा के कवि हैं। इस प्रकार ये हिंदी भाषा के क्या हो गए, तीसरे कवि हो गए। 1979 में क्या हुआ, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी रचना थी मृत्युंजय, ठीक है, इनकी रचना मृत्युंजय है। 1980 में यश के पोट्टे ककाट, ठीक है, यश के पोट्टे ककाट बड़ा कठिन नाम है, उनकी रचना भी है ओरू देशा ततिंते कथा, ठीक है, ओरू देशा ततिंते कथा, ठीक है। 1980 में यश के पोट्टे ककाट, इनकी रचना ओरू देशा ततिंते कथा, ठीक है, सबसे कठिन नाम, सबसे कठिन इनकी रचना, ठीक है, मलयालम भाषा के थे, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1981 में अमृता प्रीतम को कागज ते कैनवास, 1981 में अमृता प्रीतम को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी रचना कागज ते कैनवास है, ये पंजाबी भाषा की कवित्री थी, ठीक है, इसलिए इस प्रकार ये महिला के अगर देखें तो महिला के रूप में दूसरी कवित्री है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और 1982 में हमारी महादेवी वर्मा जी आती हैं, इनकी जो रचना यामा है उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ये कई रचनाओं का एक संग्रह है, ये हिंदी भाषा की थी, ठीक है, महादेवी वर्मा को 1982 में दिया गया, पहली महिला जो हिंदी भाषा की थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब तक जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा था वो एक कृत को दिया जाता, उनकी एक रचना को दिया जा रहा था, और अब जो दिया जाएगा सो साहित्य क्षेत्र में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाएगा। तो अब क्या है, उसका केवल नाम ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने महत्वपूर्ण जो हिंदी के हैं, ठीक है, जो 11 लोगों को मिला है हिंदी भाषा के, उनको रखा है, एक दो और नाम हमने रखे हैं, ठीक है, उन्हीं को देख लेते हैं, इस प्रकार हमारा ये वीडियो खत्म हो जाएगा, यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नरेश मेहता की बात करें तो ये 1992 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, ये हिंदी भाषा के थे। निर्मल वर्मा और गुरदयाल सिंह, इनको दोनों को संयुक्त रूप से दिया जाता है 1999 में। निर्मल वर्मा हिंदी भाषा के थे, गुरदयाल सिंह जो पंजाबी भाषा के थे। 2005 में कुंवर नारायण को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। सत्यव्रत शास्त्री, अभी तक संस्कृत भाषा में केवल एक लोग को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, वो है सत्यव्रत शास्त्री, ठीक है, सत्यव्रत शास्त्री को 2006 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है संस्कृत भाषा के लिए। अमरकांत और श्रीलाल, ठीक है, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया जाता है, अमरकांत और श्रीलाल को, ये दोनों हिंदी भाषा के कवि, 2009 में दिया जाता है, ठीक है। चंद्रशेखर कंबार, ठीक है, चंद्रशेखर कंबार को कन्नड़ भाषा के लिए चंद्रशेखर कंबार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ये कन्नड़ भाषा के कवि 2010 में दिया जाता है। प्रतिभा राय को 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, ये उड़िया भाषा की थी। रावरी भारद्वाज, इनको 2012 में मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये तेलुगु भाषा की थी, ठीक है, तेलुगु भाषा की थी। केदारनाथ सिंह को 2013 में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये हिंदी भाषा के थे, ठीक है, हिंदी भाषा को आप अलग से याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि किस प्रकार पूछ ले कि निम्न से कौन से कवि हैं जिनको हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो आपको कम से कम जो हिंदी भाषा में 11 लोगों को मिला उनका नाम भी पता होना जरूरी है, ठीक है, और जो रचनाएं जिनकी है तो उनको उसको भी आप अलग से याद कर लीजिएगा, 4-5 रचनाएं आप याद कर लेंगे तो सब ये कवर हो जाएगा। भालचंद्र नेमाडे, भालचंद्र नेमाडे को 2014 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, मराठी भाषा के थे। रघुवीर चौधरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 मिलता है, गुजराती भाषा के थे। और शंख घोष को 2016 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो ये बांग्ला भाषा के कवि थे, ठीक है, ये बांग्ला भाषा के थे शंख घोष, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है 2016 में। 2017 में कृपा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, ये हिंदी भाषा की कवित्री है, ठीक है, कृपा सोबती को हिंदी भाषा की कवित्री, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 मिलता है। 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, वो भी अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है, पहली बार है जो हमारी 22 भाषाएं हैं उनको छोड़कर किसी अन्य भाषा में दिया गया, तो भी अंग्रेजी में दिया गया अमिताभ घोष को 2018 में। जब से इनको दिया गया तब से ये विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और 2019 में अकितम अच्युतन नंबूदिरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 55वां, तो ये मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। तो जब भाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया तब भाषा याद रखिएगा कि इसको किस भाषा मिला गया, और इससे पहले 1982 के आसपास या उससे पहले जो था उस समय रचना भी इंपॉर्टेंट थी, आप रचना भी याद करिएगा, और जितने भी महत्वपूर्ण उसको मैंने हरे रंग से दिखा दिया। आप सोच रहे हैं कुछ कुछ ईयर इसमें गैप है, ठीक है, कुछ कुछ ईयर इसमें गैप है, आप उनको क्यों नहीं दिए, क्योंकि वो अलग अलग भाषाओं के लिए थे, ठीक है, जैसे 1992 में मिला है तो
ये जो आपको गैप दिख रहा है ये पीडीएफ में दिखेगा, यदि आप पढ़ना चाहें तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं, जो नीचे पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ से देख के वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज इसी पे इसको वाइंड अप करते हैं। जो बात आती है साहित्य अकादमी की, क्योंकि या तो ज्ञानपीठ से पूछा जाता है या तो साहित्य अकादमी से, तो साहित्य अकादमी भी अगर हो सकता है तो आज शाम तक मैं आप उसका भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार अगले 20 दिनों में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपकी यूपीएसआई की नज़र से, उन सबको मैं कवर करूंगा, ठीक है, जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। आप अपनी तैयारी करते रहिए, प्रतिदिन 8 से 9 घंटे पढ़ते रहिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।